फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 17 मई 2022 और आप देख रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को, इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं, एक बहुत बड़ा रिजल्ट और साथ ही एक दो अपडेट और अभी डी ट्रिपल एस बी के द्वारा रिलीज की गई है। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं डी ट्रिपल एस बी के द्वारा कौन सी लेटेस्ट अपडेट को जारी किया गया है। और आज बड़ा खुशी का दिन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि आज कई रिजल्ट जारी किए गए हैं डी ट्रिपल एस बी के द्वारा। देखिए, अभी ये 3 नोटिस हैं जो कि नए रिलीज किए गए हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो अपडेट और डी ट्रिपल एस बी के द्वारा जारी की गई थी, ये हम आपके साथ इससे पहले वाली वीडियो में सब शेयर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने आज की अपडेट को नहीं चेक किया है तो फ्रेंड्स आप इन वीडियोज को चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इस बड़े रिजल्ट को हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जस्ट अभी की ये अपडेट है, मेन रिजल्ट नोटिस नंबर है 864 नंबर का नोटिस है। ये टीजीटी उर्दू फीमेल पोस्ट कोड है, यहाँ पर 53/21 पोस्ट कोड का ये मेन रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया फ्रेंड्स। और यहाँ वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं 571 ये टोटल वैकेंसीज थी। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। जनरल की यहाँ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 262 थी, ईडब्ल्यूएस की 20, ओबीसी की 151, एससी की 93 और एसटी की 45 और पीएचओएच की यहाँ पर 12 पोस्ट थी फ्रेंड्स, और पीएचवीएच में 14 यहाँ पर वैकेंसीज थी। तो टोटल मिलाकर ये 571 वैकेंसीज निकाली गई थी टीजीटी उर्दू फीमेल के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका मेन रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो उन सबको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोल नंबर्स आप लोगों के यहाँ पर गिवन है, कैटेगरी वाइज ये रिजल्ट बता दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, कोई क्वालिफाइड या सुटेबल कैंडिडेट यहाँ नहीं मिला है, तो मेरिट लिस्ट यहाँ नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रोल नंबर दिया गया फ्रेंड्स, यूआर पीएचवीएच कैटेगरी है, ये रोल नंबर यहाँ ये दे दिया गया है, इन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, आप रिजल्ट का डाटा तो देखिएगा, वैकेंसीज है यहाँ पर 571 और जो कैंडिडेट यहाँ पर प्रोविजनली नॉमिनेट किए गए हैं 51 कैंडिडेट हैं, जिसमें कि जनरल के हैं 35 और इंक्लूडिंग 1 पीएचवीएच कैंडिडेट है, ओबीसी के 13 है, एससी के 2 हैं और एसटी का 1 कैंडिडेट है। सिर्फ ये कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। और जो ये जनरल में पीएचवीएच कैटेगरी का कैंडिडेट है, ये रोल नंबर यहाँ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपका रोल नंबर भी यहाँ पर गिवन हो। और जनरल कैटेगरी के ये 35 कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स जो कि यहाँ सिलेक्ट किए गए हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के ये 13 कैंडिडेट है जिनका यहाँ सिलेक्शन किया गया है, एससी कैटेगरी के 2 कैंडिडेट है और एसटी कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर ये टोटल 51 कैंडिडेट है जिसमें जनरल के 35 हैं, इंक्लूडिंग 1 पीएचवीएच कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर नील कैंडिडेट है, कोई यहाँ सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ओबीसी के हैं 13 कैंडिडेट, एससी के हैं 2 और एसटी का 1। तो ये टोटल मिलाकर 51 कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट किए गए हैं और वैकेंसीज देखिएगा आप 571। ठीक है फ्रेंड्स, कितना कम रेशियो ये रिजल्ट का यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कट ऑफ देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 83.84 रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर कोई सुटेबल कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए इसकी मेरिट लिस्ट ही कट ऑफ ही नहीं बनाई गई। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 75.51 रही है, एससी कैटेगरी की कट ऑफ है 77.02, एसटी की कट ऑफ है 70.45 और पीएच कैटेगरी में, ओएच कैटेगरी में कोई यहाँ सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। वीएच कैटेगरी में जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ रही है 70.45। तो ये आप लोगों की कट ऑफ रही है। और वेटिंग पैनलिस्ट देख लीजिएगा फ्रेंड, तो वेटिंग पैनलिस्ट तो यहाँ बनाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी जितने कैंडिडेट्स को, जितनी वैकेंट पोस्ट को यहाँ फिल करने की, वो कैंडिडेट ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। मतलब 751 पोस्ट के लिए सिर्फ 51 कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल मिले हैं जिनका की सिलेक्शन किया गया है, बाकी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं। और देखिए, जब भी कोई
ही मेन रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, तो उसके साथ ही रिजेक्शन नोटिस भी जारी किया जाता है। रिजेक्शन नोटिस यहाँ दो तरह के जारी किए जाते हैं, एक तो वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने की ई डोजियर ही अपलोड नहीं किया है, और दूसरे कैंडिडेट वो होते हैं फ्रेंड्स जिनका किसी न किसी कमी की वजह से रिजेक्शन किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजेक्शन नोटिस नंबर है 865। अभी की लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स ये डीओई की वैकेंसीज हैं, टीजीटी उर्दू फीमेल, पोस्ट कोड है 53/21। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कैंडिडेट है फ्रेंड्स जिनके की कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया है, और इनके रिजेक्शन का जो रीजन है ये रिमार्क्स में यहाँ बता दिया गया है। रोल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, और रोल नंबर के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे वो वजह बता दी गई है जिस वजह से आपका रिजेक्शन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ऐसे नोटिस को थोड़ा ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो गलतियां यहाँ पर इन कैंडिडेट से हुई है, अगर आपने किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है या अभी न्यू रिक्रूटमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो इन फ्यूचर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ऐसे रिजल्ट नोटिस को बिल्कुल ध्यान से आप चेक कीजिएगा। इसको वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे इजीली डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी रिजेक्शन नोटिस है, नोटिस नंबर है 866, टीजीटी उर्दू फीमेल, पोस्ट कोड 53/21। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो कैंडिडेट बताए गए हैं जिन्होंने ई डोजियर ही अपलोड नहीं किया था। कैटेगरी वाइज ये जानकारी यहाँ दी गई है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, देखिए एक कैंडिडेट है इनका रोल नंबर ये यहाँ बता दिया गया है, तो इन्होंने जो गिवन टाइम पीरियड था इसमें ई डोजियर को अपलोड नहीं किया था, इस वजह से इनका कैंडिडेटचर रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी तरह से एससी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर ये है, इनके कैंडिडेटचर को भी ई डोजियर को अपलोड न करने की वजह से रिजेक्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक की यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो की अभी अभी डीटीप्लेसबी के द्वारा जारी की गई है। आज 2 बड़े रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है फ्रेंड्स उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका अब की बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो भी मायूस ना हो, क्योंकि अभी जो 2022 की रिक्रूटमेंट है वो भी आने वाली है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है इन न्यू वैकेंसीज में जरूर काम आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग होप रखिएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा, आपकी जीत अवश्य होगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।